वन और मैं पता नहीं तुम अभी मुझे देख सकते हो नहीं देख सकते हो, पर मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ना घर पर किसी को बताया नहीं है और मैं आज दिवाली सरप्राइज़ देने मेरे घर जयपुर आ गया हूँ। जैसे कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो, वैसे मेरे मॉम डैड भाई बहन भी मुझे नहीं देख सकते हैं, और ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है कि हम लाइव चैट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मामला थोड़ा सा रिस्की है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कानो कान भी कि अपन जयपुर में आ गए हैं और मैं घर के बाहर हूँ। वेट कर रहा हूँ कि कैसे एकदम से अंदर जाकर उनको सरप्राइज़ दूँ। तो अभी ये सरप्राइज़ होने वाला है, लेट्स सी। पापा को पता है कि मैं आ रहा हूँ, सिर्फ पापा को पता है, भाई बहन और कोई ज़्यादा नहीं। मॉम को तो मैं कह चुका हूँ कि मॉम मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ, अभी एकदम से जैसे मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा उनके लिए सरप्राइज़। एंड आराम से बैग थोड़ा साइड में रख देता हूँ, पापा प्लान में शामिल हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता है। पहले देख लिया, मॉम ने नहीं देखा है। अपना अपन सब साथ में हैप्पी दिवाली विश करेंगे, ठीक है? मैं कहूँगा 1 2 3 हैप्पी दिवाली, ठीक है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बस कर बॉबी, इसको पकड़ कर डस्टी में, तुम पागल हो जा रहे। अरे बस बाबू वही पकड़ना इसको बॉबी। ये हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली। सब ने पता है सरप्राइज प्लान किया था। अच्छा। पापा को अरे बच्चों, अरे बस कर आओ पहले घर पे सबसे मिला देता हूँ ना। पापा देखो सबके सब, ये मेरे पापा। ओ ये भाई मियो तो पागल पागल हो गई है। मियो आ जाओ, मियो मियो हमारी प्यारी सी मियो। पापा सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सब पापा को भी हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली। चंदन सोनी कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, आस्था छाबड़ा कह रहे हैं हैप्पी दिवाली। ओ भाई से तो मिल लो मेरे, वही है मेरा स्मार्ट सा भाई। हैप्पी दिवाली एवरीवन। है ओ मार्बल मेडिसिन कह रही है हैप्पी दिवाली, पर वो आंटी को कह रही, नरेंद्र आर सोलंकी कह रही है हैप्पी दिवाली भाई। क्या बात है यो। हैप्पी दिवाली। ये देखो सबको हैप्पी दिवाली बोल देना मेरी तरफ से। पापिया वैद्य कह रही हैं और प्रज्ञा की बात तोपो कह रही हैं हैप्पी दिवाली मोहित एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोग्राम। आओ उस कामकाजी महिला से मिला देता हूँ जो अभी रसोई में काम कर रही है पहली बार, में तो देखा ही नहीं कभी इसको रसोई में काम करते हुए। ए मेरी सुंदर दी यार, कितनी प्यारी लग रही है बिंदी लगा के। हैप्पी दिवाली। ये है मेरी बहन भव्या, इसको जानते होंगे, सबसे फेमस पर्सनालिटी है पेज की। सबसे इसकी पिक डालो ना पेज पे, सबसे ज्यादा लाइक आते हैं। मैंने कहा यार ये लगी है, बता हमको भी, पूछता ही नहीं है, बताओ जरा। तो जी जयपुर आ गए हैं मॉम, आज तो आपके साथ में लाइट चैट करेंगे। आ जाओ, चलो इधर बैठो, इधर बैठो।
मम्मी को टीवी देखनी थी, हाँ बताओ। मैंने पापा के साथ में बताया मैंने क्या सरप्राइज प्लान किया था। पापा आओ ना, आप भी आओ, आओ इधर बैठो पापा। लाइट जला ना, उधर बैठ जाएगा। किधर? ये डस्टी 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 डस्टी। चाओ। पापा आओ ना। मियो आ गया। ए मियो, ए मियो, काली मियो, हमारी प्यारी मियो। ए, ए मियो, 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 हाय के, मियो, मियो हाय के राय। मियो, डस्टी। तो हाँ, तो प्लान कैसा था माँ? आपको ना पता, किसी को बताना नहीं था। रूपल बॉबी को थोड़ा थोड़ा पता था कि मैं आ रहा हूँ, पर मैंने उनको भी कहा था कि किसी को बताने का नहीं है। पापा को, अब रूपल बॉबी को भी यही नहीं पता था कि मैं कब आ रहा हूँ। क्या है लड़ाई कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा क्या हो क्या रहा है ये। तो मियो और मतलब मियो और डस्टी को तो खैर पता ही नहीं था कुछ भी, लेकिन बॉबी रूपल को ये पता नहीं था मैं एग्जैक्ट किस टाइम पर आ रहा हूँ। ये सारा कोऑर्डिनेट किया मैंने पापा की हेल्प से। तो पापा, हाँ पापा आओ, पापा आओ, पापा आओ, पापा इधर बैठो। हाँ तो यही तो बात है ना, बॉबी रूपल फिर भी बता देते हैं। पापा इधर। हाँ तो ये मेरे पापा जिन्होंने मेरे प्लान में हेल्प करी सबसे ज्यादा। अच्छा बॉबी रूपल को तो मतलब जो मेरे भाई बहन है उन दोनों को बताने का मतलब वो भी सीक्रेट रख लेते हैं, लेकिन बॉबी तो नहीं रख पाता है, पापा ने मुझे बताया ये बात। तो योर कनेक्शन, हाँ तो पापा को मैंने क्या कहा, कॉल करके मैंने कहा पापा मम्मी के ना सरप्राइज प्लान करते हैं अभी के अभी, और मैं आऊंगा यहाँ पे जयपुर, और मम्मी को किसी तरह से आप ना बाहर ले आना। तो पापा ने कहा कि यार कैसे बाहर लाऊं, मेरे पास एक आइडिया है। तो पापा ने आइडिया बनाया कि डस्टी मियो को टहलने के लिए मम्मी पापा ले जाती हैं बाहर। अच्छा, इसीलिए तो मुझे बोल रहे थे। तो पापा ने आइडिया बनाया कि मैं मम्मी को लेकर आ जाऊंगा डस्टी मियो को लेकर बाहर टहलने के लिए, और तू है ना बीच सड़क पर कहीं खड़ा हो जाना अपना बैग वैग लेके, और फिर वहां सरप्राइज देंगे। पर जैसे कॉल करता हूँ पापा भी बताता हूँ, पापा ये प्लान हो रहा है ना, पापा कहते हैं मम्मी ने तो मना कर दिया बाहर टहलने से, वो तो अंदर बैठ कर टीवी देख रही है। तो फिर मैंने कहा हाँ यार पापा ने पता पूरा प्लान किया इतना अच्छे से। तो फिर उसके बाद में तो उसके बाद में फिर पापा और मैंने डिसाइड किया कि चलो अब कोई आ तो रहा है नहीं बाहर, टीवी देख रहे हैं सब घर में बैठ के, तो बाहर सड़क पे तो सरप्राइज हो नहीं पाएगा। तो मैं अंदर आऊंगा चुपके से, पापा एकदम सोफे के पास में बैठे रहे जहां पर गेट था, तो गेट ऑलरेडी खोला हुआ पापा ने, ठीक है ना मेरे लिए, जैसे ही मैं एंटर करूं और मैं अंदर आकर मम्मी को सरप्राइज दे दूं। यहाँ सब आराम से टीवी देख रहे, बस पापा और मुझे प्लान पता था। बहन का भी वैसे जा रहा कॉल क्यों उठा रहा, तेरा फोन क्यों ऑफ है, उसको शक हो जा रहा और मैं उसको जवाब नहीं दे रहा इस चक्कर में ही। तो और ऐसे सरप्राइज कंप्लीट हो गया जो जो तुम सबने देखा। उस्मान अर्शद, रुचिकाश यादव कह रही है सच ए स्वीट सरप्राइज। उस्मान अर्शद हाशमी कह रहे हैं यू लुकिंग फैब, थैंक यू उस्मान। कुंदन सक्सेना हम सबको कह रहे हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। न्यू मल के लिए सब स्वीट फैमिली है ना, स्वीट था ही ना मेरी फैमिली, ऐसी स्वीट है। तो तुम सब भी अभी देखो, इसका सिर्फ एक ही मेरा एम था कि कुछ भी हो जाए, देखो मम्मी को तो मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, पर उसी दिन मैंने टिकट बुक करवा ली थी कि मेरे को तो आना ही है, और मम्मी को पता था कि मैं सरप्राइज दूंगा ही दूंगा, इनको तो आदत हो चुकी है। तो सोचा इस बार कुछ अलग सा सरप्राइज दूंगा, तो लेट आऊंगा मैं। तो आज मैं इतनी लेट आया ताकि मम्मी को बिलीव हो जाए कि मैं नहीं आ रहा हूँ आज के दिन। हम सब तो सोने की तैयारी। हाँ और अब हम सोएंगे नहीं, अब हम घूमने जाएंगे सबके सब आराम से, नहीं देखेंगे टीवी। माँ ठीक है, नहीं देख रहे टीवी हम। तो अभी हम घूमने जाएंगे, तुम सब भी अपनी फैमिली के साथ खूब सारे अच्छे से टाइम स्पेंड करो और घूमने जाओ, दिवाली सेलिब्रेट करो, खुद खुश रहो, सबको खुश करो, औरों को खुशी दो। और हाँ दिए वाली दिवाली मनाओ, दिए वाली दिवाली मतलब दिए वाली दिवाली, पटाखे वटाखे से यार ना थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है और कान में बजता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं खुद भी 8 साल से पटाखे नहीं छुड़ाता हूँ, मैं अब दिए जलाता हूँ। तो दिए वाली दिवाली मनाओ, मस्त खुशियाँ बांटो, मिठाइयाँ बांटो, प्यार बांटो और अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड करो, ठीक है? क्योंकि वो ना तुमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाय बाय, हैप्पी दिवाली बच्चों, हैप्पी दिवाली।